साथ इकोनॉमिस्ट होंगे, बैंकर्स होंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल होगा जो आपके लिए आरबीआई की इस पूरी पॉलिसी का विश्लेषण करेगा। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे और हम उनकी राय लेना शुरू करेंगे। अदिति नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इकरा की। अदिति, स्वागत है आपका। हमारा पोल तो ये कह रहा है कि कम से कम 85-90% लोग मानते हैं आज कुछ नहीं होगा, आप क्या मानती हैं? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, हमारा भी यही अनुमान है कि जिस तरह की पिछली बार कॉमेंट्री करी गई थी कि इन्फ्लेशन ही प्राइमरी टारगेट है एमपीसी का, उसके बाद से जो डेटा आया है वो तो यही फोरगॉन कंक्लूजन हमें बताता है कि आज की पॉज ही होगा, इन्फ्लेशन ऊपर गई है। हमारा अनुमान है कि मंडे का नंबर पॉजिटिव रहा है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप कमेंट्री में क्या कुछ देखना चाहेंगे ऐसा जिससे ये अंदाजा लगे, देखिए ये नई एमपीसी की पहली बैठक है और उसकी ये पॉलिसी आएगी तो एमपीसी के नए मेंबर्स ये संकेत जरूर देना चाहेंगे स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कि उनका क्या नजरिया है आगे दिसंबर या फरवरी में रेट कट को लेकर। तो ऐसा क्या संकेत आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, क्या देखना चाहेंगी आप पॉलिसी स्टेटमेंट में? देखिए, एमपीसी मेंबर्स के इंडिविजुअल व्यूज तो हमें मिनट्स में मिलेंगे, आज जो हमें मिलेगा वो जो ओवरऑल व्यू होगा उसमें हम ये ढूंढेंगे कि जो अकोमोडेटिव स्टांस है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कब तक कंटिन्यू करी जाएगी। अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि वो काफी देर तक अकोमोडेटिव स्टांस रहेगी क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना है, तो इस पे क्या कॉमेंट्री आती है, कितना स्पेस एमपीसी को लगता है और रेट कार्ड्स के लिए। पिछली बार जुडिशियस वर्ड जो यूज हुआ था उससे तो यही लगा था कि एमपीसी को भी नहीं लगता कि ज्यादा स्पेस बची है, इसलिए वो बहुत ही उसको केयरफुली यूज करना चाहते हैं। तो ये अकोमोडेटिव स्टांस और जुडिशियस वर्ड ये बहुत केयरफुल रहेगा। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये देखना चाहूंगी कि फाइनली आरबीआई एमपीसी की तरफ से आज क्या हमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान मिलते हैं। एकदम से सितंबर के कुछ ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आए हैं, क्या आरबीआई एमपीसी उन्हें बिलीव करता है कि वो सस्टेनेबल होंगे या ये सिर्फ बेस इफेक्ट रिलेटेड या सिर्फ पेंटअप डिमांड रिलेटेड है, तो इसके अराउंड कॉमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड एज एन इकोनॉमिस्ट मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगी कि Q4 के लिए आरबीआई एमपीसी क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ होगी छोटी कि कॉन्ट्रैक्शन Q4 में भी चलेगी, और इन्फ्लेशन कहाँ लो पॉइंट आएगा, जो इन्फ्लेशन का लो पॉइंट आएगा उसके 2 महीने बाद वाली अगली जो पॉलिसी होगी बेसिकली हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे फाइनल रेट कार्ड आ जाएगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री इन्फ्लेशन की आरबीआई और एमपीसी की तरफ से आती है उसमें हम लो पॉइंट को ढूंढेंगे और ये भी कि वो लो पॉइंट 4% के कितना नीचे है और साथ ही साथ 4% से नीचे इन्फ्लेशन कब तक गिर जाती है। ओके, तो इस पर नजर होगी और आज एक मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी आएगी, एमपीआर जो डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, जिसमें आपको अगले साल 1.5 साल तक का नजरिया मिलेगा, ये उम्मीद रखनी चाहिए, इस वित्त वर्ष के बाकी के 6 महीने और अगले वित्त वर्ष को लेकर के भी एक अनुमान आरबीआई इसमें देगी, इसकी उम्मीद आपको करनी चाहिए। तो इस एमपीआर पर नजर होगी, इससे आपको ज्यादा अच्छा बेहतर अंदाजा लगेगा जिन आंकड़ों की बात यहां पर इस समय की जा रही है। मार्केट अब देखिए नेगेटिव